आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको, बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है। और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था, मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना, मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपके लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले, आपके आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम
दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें। और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, कर्रा साहब ने अभी कहा कि यहां पे पहले एचएमटी की फैक्ट्री होती थी, पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं, 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते हैं, अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। गलत जीएसटी लाए, नोटबंदी की, और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन सबको इन लोगों ने बंद किया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कहीं भी ढूंढ लो, जम्मू कश्मीर में ढूंढ लो, बाकी हिंदुस्तान में ढूंढ लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी डिग्री ले लो, कॉलेज की डिग्री ले लो, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर आपको रोजगार, नौकरी नहीं मिल सकती। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये इनकी पॉलिटिक्स है। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो, ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते, वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? और जम्मू कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोकतांत्रिक हक नहीं छीना, जो भी पहले आप डिसीजंस लेते थे, चाहे वो विकास के डेवलपमेंट हो, विकास के डिसीजंस हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, शिक्षा के डिसीजंस हो, स्वास्थ्य के डिसीजन हो, पहले ये सब आप लोग एमएलए चुनकर लेते थे, आजकल ये जो डिसीजंस है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। इसीलिए हम आपको स्टेटहुड वापस देना चाहते हैं। रोजगार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे, जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए
हर महीने, और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहां पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। भाई और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटूट का है, और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने जा रहे हैं। कर्रा साहब के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। जब लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे, तब कर्रा साहब कांग्रेस पार्टी में आए थे, और ये दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इनको आप पूरा समर्थन दीजिए, इनको आप जिताइए और विधानसभा में पहुंचाइए। आप सबका, और आप जानते हो मेरी आपके लिए फीलिंग्स, आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है, और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।